फिर अरिस्टोटल का जो स्टांस हमें नजर आ रहा है ये ज्यादा यूनिक है एज कंपेयर टू प्लेटो। अरिस्टोटल का ये मानना है कि थ्रू ऑब्जेक्ट वी कैन यू कैन से लीड अप टू द आइडियल वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्ट है जो हम लोगों को किस तरफ लेके जा सकता है, आइडियल वर्ल्ड की समझ। सो यहां ये सिर्फ कॉपी नहीं है, स्लैविश कॉपी जिसको हम कहते हैं ना, ये सिर्फ स्लैविश कॉपी की बात नहीं हो रही, बल्कि वो कहता है कि ये एक ऐसी तस्वीर की बात हो रही है कि जो हकीकी मायनों के अंदर हमें कुछ ऐसा दे के जाती है जिसमें कुछ ऐसा अछूता ख्याल होता है जो शायद हमें मतलब जो है वो उस तरह से नजर नहीं आता। आप आसान लफ्जों में मसलन आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये फिर क्रेडिट जो है वो पोएट को जा रहा है कि जो हमारे सामने एक ऐसी पिक्चर तहलीक कर देता है कि जो हमने ना कभी देखी होती है, ना सोची होती है, ना समझी होती है। सपोज आपके सामने ये एक तस्वीर है जो मैं शेयर कर रहा हूं, और अगर इसी पिक्चर को देखें देन क्रेडिट गोज टू द आर्टिस्ट। क्या हकीकत में कहूं इतना ही खूबसूरत होगा जितना इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है? क्या ये जिस अंदाज के साथ उसने ये चीजें जो है वो हमारे सामने पेंट की है, यू थिंक कि वो सारी चीजें जो है वो इसी तरह से दिखाई देती होंगी? नो, इट वॉन्ट बी, ये ऐसी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीजों के अंदर वो डिबेस्ड होंगी, बट द क्रेडिट गोज टू द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट, कि वो आर्टिस्ट के हैंड को ये क्रेडिट जा रहा है कि जिसने उस डिबेस्ड फॉर्म से एक आइडियल फॉर्म, एक परफेक्ट फॉर्म हमारे सामने तहलील कर दी, जिससे हमें एक दूर दराज के गांव के अंदर जो रहने वाले कुछ घरों के जो अफराद हैं उनकी लाइफ जो है वो हम उनको यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, अवेलुएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। सो दैट्स करेक्ट, कि पोएट एंड आर्टिस्ट इज अ पर्सन हु गिव्स मोर देन रियलिटी। सो देयर इज अ क्रिएटिव रिप्रोडक्शन। पोएट्री के अंदर क्या होती है? क्रिएटिव रिप्रोडक्शन है, और ये जो क्रिएटिव रिप्रोडक्शन है ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अकॉर्डेंस विद द आर्टिस्ट आइडिया। Poetry is thus not an imitation of shadow, but it is the imitation of the ideal reality. The ideal world kaisi hoti hai ya honi chahiye? Poet always takes us to the ideal, ke wo hame ideal tak leke jata hai. Poetry achieves idealization by dealing with the essential, ke uski spirit tak pahunchti hai, because it discards the accidental and transcendental. एक्सीडेंटल और ट्रांसिएंट चीजों को डिस्कार्ड कर देती है। ये डील करती है यूनिवर्सल एंड द आइडियल को, कि जो यूनिवर्सल है, जो आइडियल है, ये उसके हवाले से मतलब जो है वो बात है, और जो पोएटिक ट्रुथ है ये यूनिवर्सल होती है। यानी कि जो पोएट और आर्टिस्ट का जो मैसेज होता है ये असेंशियल होता है और परमानेंट होता है। ये नहीं होता कि वो फॉर द टाइम बीइंग हो, एक खास मौके तक जो है उसको महदूद कर दिया जाए। ऐसी पोएट्री को हम लोग पोएट्री नहीं कह सकते, बल्कि पोएट्री वो है जिसका मैसेज जो है वो फॉर एवर लास्टिंग हो, फॉर लाइफ लॉन्ग मैसेज जो है वो जहां पर मौजूद हो। तो दस अरिस्टोटल वाज़ द फर्स्ट मैन हु बेसिकली डिफेंडेड पोएट्री एंड ऑफर्ड अ वाइडर स्कोप एंड ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू द टर्म इमिटेशन, कि उसने मेमेसिस को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमारे सामने शेयर किया, और वो कहता है दैट इमिटेशन इज नॉट मेयर स्लैविश कॉपिंग, it is not mere representation of the outward appearances, it's the deeper reality, ye hidden reality tak jo hai wo jata hai, at the very basic elements of human nature,
और ये ह्यूमन नेचर का ये बेसिक एलिमेंट है। तो यहाँ पर उसने कहा था कि जब एक रीडर पढ़ेगा तो वो थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी चला जाएगा, जबकि पोएट ये कहता है कि एक पोएट मतलब सपोज विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉलिटरी रेपर, बहुत अहम पोएम, मशहूर पोएम है उसकी, तो वो मतलब जो है किस तरह से मतलब जो है वो उसके सॉन्ग को डिफरेंट मीनिंग देता है, ताकि वो सॉन्ग एक ही गुनगुना रही है और वो सारे का सारा एलियन लैंग्वेज के अंदर था कि उसको वो समझ नहीं आती, लेकिन वो उसके वर्ड से सॉरी उसकी टोन से जो है वो अंदाजा लगाता है कि ये सॉन्ग शायद इस हवाले से होगा, ये सॉन्ग शायद इस हवाले से होगा, ये सॉन्ग शायद इस हवाले से होगा। और हम जब रीडर्स जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम पोएट जो हमें बताता है हम उसमें भी मजीद एस्पेक्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो फिर इंटरप्रिटेशन में जब आप चले जाएं तो इट इज नॉट यू कैन से थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी, रादर वी यू कैन से कम मोर क्लोजर टू रियलिटी। हम रियलाइजेशन के प्रोसेस से जो है वो गुजर रहे होते हैं और द क्रेडिट गोज टू द पोएट एंड द पोएट्री कि वो हमें वो एस्पेक्ट्स भी जिंदगी के बता देते हैं जो हमने कभी भी सोचे नहीं होते। Aristotle further added and said, the poet had a vision and in our appearance he saw our ideal. कि वो हमारी appearance में क्या देखता है? वो अपना ideal तलाश करता है और वो अपने ideal को हमारे सामने quote करता है। When he makes our portrait, he does not simply copy the features, he actually draws the character. वो हमें बताता है कि character क्या होना चाहिए, हम हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर shortcomings हैं, हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर जो है वो खामियां exist करती हैं, वो एक्चुअली हमारे उस करेक्टर को ड्रॉ करता है। वो ही मेक्स आवर पोर्ट्रेट, ही डज नॉट सिंपली कॉपी द फीचर्स। तो एरिस्टोटल वाज ऑफ द व्यू दैट पोएट वाज एसेंशियल टू कीप बैलेंस इन सोसाइटी। तो फिर पोएट्स जो हैं वो जरूरी है, यू दैट एरिस्टोटल वाज द व्यू दैट पोएट इज एसेंशियल टू कीप बैलेंस इन सोसाइटी। कि पोएट जो है वो सोसाइटी के अंदर बैलेंस करने के लिए अहम है। अगर क्यों बैलेंस करने के लिए अहम है? क्योंकि पोएट जिस इमेज को हमारे सामने क्रिएट करता है हम कभी भी चाह के वैसी इमेज को क्रिएट नहीं कर पाते, हम कभी भी उस एस्पेक्ट पर उस तरह से नहीं सोच पाते। दैट्स व्हाई हियर गोज द डिफरेंस, ही इंसिस्टेड दैट पोएट टेक्स अस टुवर्ड्स द आइडियल नॉट अवे फ्रॉम इट। We do not go away from reality. Rather, the credit goes to the poet who takes towards the ideal. Thus, Plato opposed poetry, but Aristotle supported it. वो इसको support करता है, वो इसके साथ agree करता है, और वो कहता है कि poetry जो है, वो that's the most you can say soothing you can say tool in a society. और अगर ये नहीं होगा तो फिर सोसाइटी जो है वो किस तरह से डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद होगी। तो ये वो ओपन स्टांस था जो कि शेमस हैने ने मतलब जो है वो डिफेंस ऑफ पोइट्री के हवाले से लिया, और वो हिस्ट्री को मतलब कोट करता है कि किस तरह से पहली दफा प्लेटो ने पोइट्री को डिस्कार्ड किया और एरिस्टोटल ने मतलब जो है वो अपने उस्ताद के इस स्टैंड को क्या कर दिया, अटरली रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोग जो उसने टाइटल अपने लेक्चर्स को मतलब दिया इस लेक्चर सीरीज को, दैट इज कॉल्ड रेड्रेस ऑफ पोएट्री। तो उसके बाद हम लोग मतलब जो है वो देखेंगे कि ये लफ्ज जो रेड्रेस है इसको हम लोग जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। So, कि जब हम लोग लफ्ज रेड्रेस की बात करते तो हैने फर्स्ट इनमरेट्स दैट ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैज फोर एंट्रीज पर वर्ड एड्रेस रेड्रेस। रेड्रेस बेसिकली चार मतलब उसके ख्याल में चार एंट्रीज हैं ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। ये चार मतलब एंगल्स के ऊपर जो है वो डिटरमाइन करता है, इट काउंट्स यू कैन से दैट
कौन कौन सी? As noun, and we begin by calling upon the first sense which it provides. ये लफ़्ज़ redress का क्या मतलब है? तो जो first entry Oxford वो अपने पास से बात नहीं कर रहा, बल्कि वो Oxford dictionary को quote करते हुए कहता है कि पहला जो इसका as a noun मतलब है redress का word का, वो reparation of, compensation. कि आप जो तलाफी करते हैं, satisfaction or compensation for a wrong sustained or the loss resulting from this. तो असल में इसका क्या मतलब है कि किसी वजह से जो है वो नुकसान हो जाए और उसकी जो तलाफी है वो क्या कहलाती है, ताकि अगला बंदा मुतमिन हो सके, तो उसको हम लोग रेड्रेस कहते हैं. सो असल में लफ्ज रेड्रेस क्यों यूज किया गया? इस वजह से यूज हुआ चूंकि वो बुनियादी तौर पर उन तमाम तलाकियों की जो है वो क्या करना, उन तमाम ज्यादतियों की तलाफी करना चाहता था जो पोइट्री के साथ जो है क्या हुई, जो पिछले हिस्ट्री में ही थे. और फॉर रेड्रेस एज अ वर्ब, अगर नॉन के बाद देखें एज अ वर्ब के तौर पर, द डिक्शनरी गिव्स 15 सेपरेट एंट्रीज और उनको सब डिवाइड किया जा सकता है 2 or 3 टाइम्स. और जो तमाम यूजेज हैं वो क्या हैं, एब्सोल्यूट हैं, नोटेड एज एब्सोल्यूट, यानी के मतलब उसने दोनों तौर के ऊपर मतलब जो है वो इसको हमारे सामने बताने की कोशिश की है कि ये किस तरह से, और ये इन सबको मतलब जो है वो डिस्कस नोटेड एज यू कैन से ओल्ड हैं और ये मतलब सिंस एजेस ये मतलब जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. वी हैव आल्सो टेकन अकाउंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज एब्सोल्यूट मीनिंग्स व्हिच इज गिवन एज टू सेट a person or a thing upright again, to set upright again, दोबारा से वापस उसको उसी position पे ला खड़ा करना जहां पर उसकी exactly पहले position, rise again to an erect position, वापस उसको वापस उसी position पर ले आना, उसी तरह से re-establish कर देना, restore कर देना, to set up again कर देना, कि किसी चीज को, किसी figure को जो के मतलब जो है वो हवादस से जमाना की वजह से जो लेट गया है, मतलब इंतशार का शिकार हुआ है, उसको दोबारा उसी तरह से जो है वो दोबारा से वापस बहाल करना जो है वो रेड्रेस कहता है. तो ये डिक्शनरी डेफिनेशन है ऑफ व्हाट ही प्रपोजेस टू से अबाउट पोएट्री, कि पोएट्री के हवाले से वो क्या कहता है. व्हाट ही प्रपोजेस टू से, द वर्ड रेड्रेस मींस टू करेक्ट समथिंग दैट इज अनफेयर और रॉन्ग. ये जो रेड्रेस का मतलब है वो क्या है कि टू करेक्ट समथिंग दैट इज समथिंग अनफेयर आर रॉन्ग. ये एक बात मतलब हमें यहां पर नजर आती है कि कोई चीज किसी के साथ अगर गलत हो जाए, हम उसको पे बैक करें, हम उसके कंफर्ट और रीअश्योरेंस के लिए हम उसको कंसोल करें, तो ये रेड्रेस कहलाता है. और असल में रेड्रेस ऑफ पोइट्री बुनियादी तौर पर पोइट्री को कंसोल करने की कोशिश है, पोइट्री को जो है वो कंपनसेट करने की एक एफर्ट है, ताकि पोइट्री को ये अश्योर किया जा सके कि तुम्हारे साथ जो पास्ट में जितना भी तुम्हें डिस्कार्ड किया गया, जितनी भी ज्यादतियां हुई, उस सरासर गलत है. सो रेड्रेस ऑफ पोइट्री जो टाइटल है वो बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदही है, टू रिमूव आर to remove or correct those false notions that have been created in the mind. Ke un tamam false notions ko, un tamam you can say false ideals ko, un tamam false attacks ko kya kiya jaye, discard kiya jaye, taki realize karwaya ja sake ki poetry wo nahi hai jo iske upar allegations jo hain wo past era since ages जो है वो इसके ऊपर एलिगेशन जो है वो लगाए जाते रहे. तो इस तरह से हैने का जो रेड्रेस ऑफ पोएट्री है
जो उसका ऐसे जो उसके लेक्चर सीरीज है वो बुनियादी तौर पर इसी बात की निशानदेही करते हैं कि देयर इज नीड टू डील यू कैन से पोएट्री इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे. देयर इज अ नीड टू यू कैन से रेज अ वॉइस इन द डिफेंस ऑफ पोएट्री. तो ये वो पहला शख्स नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसने पोइट्री को पहली मतलब जिसने डिफेंड किया, बल्कि इससे पहले लोग भी मौजूद रहे who had been defenders of poetry, जो पोइट्री को पूरी तरह से डिफेंड करते रहे. तो अपने ऐसे the redress of poetry and it builds different assumptions for the redress of poetry. The question about the redress of poetry means कि जो सवालात जो हैं जो यहाँ पर मतलब जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ. वेदर पोइट्री कैन गिव मैन कॉन्फिडेंस, क्या ये इंसान को कोई कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकती है. वेदर पोइट्री कैन गिव यू कैन से मैन कॉन्फिडेंस, ये किसी के सबका कोई कॉन्फिडेंस दे सकती है. वेदर पोइट्री कैन गिव मैन सम अश्योरेंस, ये हमें कुछ अश्योर करती है. क्या पोइट्री एक यूजफुल एक्टिविटी है. वेदर पोइट्री इज एन एस्थेटिक वर्क और प्रैग्मेटिक वर्क, क्या पोइट्री जो है वो एस्थेटिक वर्क है या वाकई में प्रैग्मेटिक है. इसको इसकी हसीयत आज भी मौजूद है. और वेदर पोएट्स एंड पोइट्री आर एनी यूज इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज एंड मिजरीज ऑफ लाइफ आर नॉट, कि आज जो हमारे जो जमाना है जिसमें मिजरीज हैं, जिसमें परेशानियां हैं, जिसमें ट्रबल्स हैं, क्या आज के इस जदीद दौर के अंदर जो है क्या पोइट्री वाकई में हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है. ये वो तमाम उसके हाइपोथेसिस हैं, ये वो तमाम उसके वो क्वेश्चंस हैं, वो रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनको वो बुनियादी तौर पर क्या करना चाहता है कि मतलब जिनका वो जवाब तलाश करना चाहता है कि पोइट्री किस तरह से आज के मॉडर्न दौर के अंदर जो है वो हमारे लिए यूजफुल है. और उस हवाले से वो अपनी बात को फ्रूटफुल साबित करने के लिए, अपनी बात को वाकई में मतलब बैलेंस करने के लिए वो डिफरेंट हवाले मतलब जो है वो देता है. तो हैनी एज अ डिफेंडर ऑफ पोइट्री, उसकी जो ये जो अटेम्प्ट है, ये मोस्ट फ्रेश अटेम्प्ट है टू डिफेंड पोइट्री. जब एज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में जब हर बंदा जो है वो ये कहता है कि मुझे वो मतलब जो है वो प्रोफेशन, वो वोकेशन चूज करता है जो यूटिलिटेरियन हो, जो मेरे लिए फायदे का सबब हो, तो ऐसे में पोइट्स क्या, और इवन एजुकेशन हैज बीन कमर्शलाइज्ड. जब आज के जदीद दौर के अंदर एजुकेशन जो है वो कमर्शलाइज हो चुकी है, तो पोइट्री एंड फिलॉसफी आर नाउ कंसिडर्ड आइडल मेंटल लग्जरीज. कॉमर्स, कंप्यूटर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैव गिवन द नेम ऑफ एजुकेशन, इनको आज तालीम का नाम दिया जाता है. लेकिन अगर आप फिलॉसफी और इसको पोइट्री को, आर्ट को, लिटरेचर को अगर आप डिस्कार्ड करेंगे, तो फिर हैने वो बताता है कि हम कहाँ पर खड़े होंगे, हमारा स्टैंड क्या होगा, हमारी मॉडर्न वर्ल्ड क्या होगी, और हम हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज और बिजनेस जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है वो कहाँ पर जो है वो खड़ी होंगी. Therefore, Hannah thinks that in the present world, only poetry can save a man. कि poetry जो है वो एक इंसान को बचा सकती है. और this he called the redress of poetry. There were others also who kept defending poetry against all kind of objections. ये सिर्फ Hannah नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी दीगर लोग हैं जो poetry को क्या करते हैं, defend करते आए हैं, जिन्होंने poetry के हवाले से अपना वाजिया stand लिया है. और वो उन्हीं राइटर्स को अपनी बात को ज्यादा मतलब जो है वो वैलिडेट करने के लिए, बेहतर तौर पर इस चीज को मतलब जो है वो डिफेंड करने के लिए वो उन्हीं राइटर्स का सहारा लेता है, जिसमें पहला बड़ा नाम एलिजाबेथन एज का सर फिलिप सिडनी का है. हैने ये कहता है कि द चीफ ऑब्स्टेकल ऑफ ऑल दीज एडवोकेट्स फील इज प्लेटोज स्टैंड अगेंस्ट पोएट्री. इन सारे जो जितने भी एडवोकेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो स्टैंड था वो प्लेटो का स्टैंड था जो उसने पोएट्री के खिलाफ किया. असल में अगर हम उस इरा को देखें तो प्लेटो की अप्रोच उस इरा के हवाले से तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है, लेकिन जो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे, चूंकि हम ये अभी प्रोज राइज ऑफ प्रोज में भी इस बात को देख रहे थे के जो स्टैंड हमें नजर आता है वो उस तरह से मतलब इतना ज्यादा मतलब गलत भी नहीं था प्लेटो का, लेकिन वो पर्टिकुलर इरा के ऊपर.
क्यों? क्योंकि प्लेटो ने सिर्फ अपने एरा के अंदर जो पोएट्स जो मतलब जो थे वो इमोरल मतलब जो है वो अपनी एपिक्स के अंदर इमोरालिटी को प्रमोट कर रहे थे, लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऐसे रोमांटिक किस्से मतलब जो थे वो प्रमोट कर रहे थे जिससे यूथ जो थी वो मिसगाइड हो रही। तो प्लेटो ने बुनियादी तौर पर अपनी एग्जिस्टिंग यूथ को जो है वो बचाने के लिए पोएट और पोएट्री को डिस्कार्ड किया। लेकिन उसके बाद नो डाउट उस वक्त इसका प्रॉपर डिफेंस भी आया और पोएट्री बकायदा बता दी गई कि कौन सी पोएट्री ठीक है। जे अरिस्टोटल भी जो है वो अपनी बुक फेमस ट्रीटाइज द पोएटिक्स के अंदर भी इस बात का हवाला देता है। सो यहां ये बात वाजिया है कि प्लेटो का जो स्टांस था वो अपने उस एरा के हवाले से, जबकि उसके बाद आने वाले जितने लोग थे उन्होंने जब भी बात की कि देखो जी प्लेटो वाज द मैन हु बेसिकली डिस्कार्डेड पोएट्री। लेकिन यहां जो फिलिप सिडनी है उसने पोएट्री को अपोलॉजी जो है वो पर पोएट्री के हवाले से उसने अपना जो है वो लिखा और जिसका अल्टीमेट पर्पस यही था कि ताकि पोएट्री का एक प्रॉपर डिफेंस किया जा सके, अपोलॉजी फॉर पोएट्री, और जहां पर उसने पोएट को मतलब जो है वो एक शानदार ट्रिब्यूट पेश किया। सिडनी जो है प्लेटो सॉरी जो सिडनी है ही कॉल्ड प्लेटो अमंग द एंटायर फिलोसोफर द मोस्ट पोएटिकल। सिडनी कहता है कि मैं जितने भी फिलोसोफर और अगर अभी तक पढ़े हैं उनमें प्लेटो सबसे ज्यादा पोएटिकल। यहां पर खुद प्लेटो अपने ही डायलॉग्स के अंदर पोएटिकल नजर आता है, अपनी ही बुक्स में वो पोएटिकल नजर आता है। आई फर्दर असर्टेड दैट प्लेटो वाज नॉट अगेंस्ट पोएट्री बट ही वाज अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पोएट्री। और नेचुरली जो मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा था वो यही थी कि वो पोएट्री के अब्यूज पर, ये बात सही है कि उसने अपनी आइडियल स्टेट के अंदर जो है वो सिर्फ उस पोएट्री की इजाजत दी है जो इंसान के अंदर जंग के दौरान जो है वो उनके जज्बात को उभार सके ताकि फौजियों के अंदर जो है वो लड़ने का जज्बा पैदा हो सके। तो लिहाजा वो इमोरल पोएट्री के खिलाफ था। लेकिन ये कहना कि प्लेटो मतलब ये बहरहाल कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि प्लेटो मुकम्मल पोएट्री के खिलाफ नहीं था, अगर वो पोएट्री के खिलाफ होता तो वो पैट्रियाटिक पोएट्री की क्यों करी जा सकती था। और दूसरे नंबर पर उसके अपने जितने लेक्चर्स थे जो उसने बुक्स लिखी वो सारी की सारी किस फॉर्म में है, दे आर इन पोएटिकल फॉर्म, स्पॉन्टेनिटी उनमें हमें नजर आती है। और वो आगे फिलिप सिडनी आगे फर्दर ये कहता है पोएट टेक्स अस टू द आइडियल, पोएट जो हमें कहा ना ये जाता है आइडियल का, और ही स्टेट फॉरवर्डली रोट कि वो स्टेट फॉरवर्डली इस बात को लिखता है इन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, अ पोएट इज अ नाइटिंगेल। पोएट क्या है? एक नाइटिंगेल है who sits in darkness and sings to cheer its own solitude, जो अपनी तन्हाई में अपने आप को खुश करने के लिए मतलब जो है वो गाती है with sweet songs, his auditors are X-men, उसके जो auditors हैं वो लकड़हारे हैं, and trance by the melody of unseen musician, और जिस वक्त बुलबुल जो है वो अपना sweet music जो है वो गाती है तो वो क्या होते हैं, दे फॉल इनटू अ ट्रांस टू फील दैट दे आर मूव्ड एंड सॉफ्टन, कि वो क्या हो चुके हैं, दे आर मूव्ड एंड सॉफ्टन येट नाउ नॉट वेंस एंड व्हाई, ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से हुआ ये उनको नहीं पता कहां से हुआ, लेकिन ये जिस तरह से बुलबुल का सांग लकड़हारों के ऊपर जो है उनको एक वो मतलब ट्रांस में लेके चला जाता है, वो अपने होश गंवा देते हैं, ऐसे ही पोएट भी एक नाइटिंगेल है जो अपनी तन्हाई के लम्हों में जो मीठे नगमे गाता है और वो नगमे हम इंसानों के लिए हमारे दिलों को मोम कर देते हैं, हमारा कैथारसिस करते हैं और हमारे अंदर वो जो डिबेस एलिमेंट्स हैं वो जो बेसर एलिमेंट्स हैं वो उनको वहां से निकाल बाहर करते हैं। तो फिर क्रेडिट ये पोएट को जाता है जो हमारे दिलों को मतलब क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, साफन कर देता है, मूव कर देता है। इसी वजह से जब आप इडिपस रेक्स देखते हो तो ये नहीं होता कि इडिपस रेक्स में आप ये सीखते हैं
कि जनाब आपने मतलब जो है वो ईडीपस जैसी रैशनेस दिखानी है, रादर आप देखते हैं कि प्राइड हैथ अ फॉल, और हबरीज जो है एक्सेसिव प्राइड जो है वो आपको डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है। सो हम ये एक बात कहने में बिल्कुल हक बजानब है कि पोइट्री जो सिडनी के बकौल जो है कि पोइट्री बुनियादी तौर पर हमारे लिए एक ऐसा रास्ता फ्राहम करती है कि जिसके जरिए हम लोग जो है वो इंसानियत को मूव कर सकते हैं। पोइट्स और पोइट्री जो है वो इंसानियत के अंदर वाजिया तब्दीलियां लाने की सलाहियत रखते हैं। सिडनी फर्दर रोट इन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, पोइट्स आर द unacknowledged legislators of the world. Words क्या हैं? Unacknowledged legislators of the world. कि ये वो मतलब legislators कौन होते हैं? जो कानूनदान हैं. ये वो मतलब कानूनदान हैं कि जो पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठते, जो कवानीन साजी नहीं करते, लेकिन ये ऐसे कवानीन बना जाते हैं, कि ऐसे आइडियाज जनरेट कर देते हैं जिस पर कौमें अमल पैरा होकर फहर करती हैं। तो यहां ये स्टैंड्स बहुत वाजिया और क्लियर हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से जो फिलिप सिडनी का स्टैंड है वो हमारे सामने जो है वो दिखाई दे रहा है कि फिलिप सिडनी जो है वो पोएट्स के लिए कितना बड़ा मतलब जो है वो ट्रिब्यूट पेश करता है कि दे आर unacknowledged legislators of the world, और उनके हवाले से वो बतलाता है कि वो किस तरह से हमारी इस दुनिया को इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर वो कैसे अपना असर डालते हैं, और उस असर की वजह से दुनिया जो है वो कैसे मूव करती है। तो दिस इज द ट्रिब्यूट विच इज गिवन बाय फिलिप सिडनी, और उसकी अपोलॉजी फॉर पोइट्री के अंदर जो ट्रिब्यूट जो है वो मौजूद है। नो डाउट हैने जो है वो अपनी बात को अप्रूव करने के लिए जो है वो सिडनी का सहारा लेता है, लेकिन असल जो पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ यही था ताकि ये रियलाइज करवाया जा सके कि पोएट आर नॉट यूजलेस एट ऑल, रादर दे आर यूजफुल कमोडिटी ऑफ दिस यू कैन से वर्ल्ड, और अगर ये ना हो तो परहैप्स हम लोग जो है वो एक ऐसी जगह पर फॉल कर जाएं कि जहां से हमारी निजात का कोई जरिया बाकी